दिल्ली मेट्रो ने एक और लाइन पर काम पूरा कर लिया है और 28 तारीख को दोपहर 12 बजे से इस लाइन को आम आदमी के लिए खोल दिया जाएगा। ये लाइन है फरीदाबाद से ISBT। अभी तक इस लाइन पर मैं आपको इससे समझाना चाहूँगा, ये एस्कॉर्ट मुझे सर है, यहाँ से लेकर ये लाइन अभी तक मौजूदा समय में ITO स्टेशन तक चल रही थी और ITO स्टेशन से लेकर कश्मीरी गेट जो है वहाँ तक का निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन अब दिल्ली मेट्रो ने इस काम को पूरा कर लिया है और 28 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पूरे लाइन पर हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद इस लाइन को भी आम आदमी के लिए खोल दिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली मेट्रो के PRO अनुज जी, उन्हीं से पूछते हैं। अनुज जी, हमेशा आपके लिए लाइन्स में बड़ी बड़ी चुनौतियाँ रही हैं और ये लाइन जो है हेरिटेज लाइन, हमने इसको आप लोगों ने नाम दिया है, क्या खास बात रही, सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? ये बहुत डिफिकल्ट लाइन था, इसमें अंडरग्राउंड टनलिंग में हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, काफ़ी इश्यूज आए। एक तो इसकी अलाइनमेंट चेंज हो गई, सो जो अलाइनमेंट के जिसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया था, जिसमें बेसिस पे उसने जियोटेक्निकल सर्वे की थी, वो सारा उसको दोबारा करना पड़ा। प्लस कुछ एरियाज में जियोटेक्निकल सर्वे पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि अलाइनमेंट चेंज होने के कारण ये बिल्डिंग्स के नीचे आ गई, तो जब वो टनलिंग, वो इन अ वे ब्लाइंड टनलिंग कर रहा था। जामा मस्जिद, लाल किले के नीचे से ये लाइन जा रही है, उन दो ऐतिहासिक इमारतों को सुरक्षित रखते हुए कैसे इस काम को जामा मस्जिद में 3 TBM का इस्तेमाल करना पड़ा? एक्चुअली टोटली हमने 7 TBM इस्तेमाल किए हैं इस लाइन पे और 10 किलोमीटर का अंडरग्राउंड टनलिंग रहा है, 5 × 2 5 किलोमीटर अप एंड डाउन मिला के 10 किलोमीटर का टनलिंग, और ये काफ़ी डिफिकल्ट हार्ड रॉक टाइप टनलिंग था, तो 2-3 जगह में हमारी TBM स्टक भी हो गई थी, बिकॉज जैसे मैंने बताया जियोटेक्निकल सर्वे कुछ एरियाज़ में हो नहीं पाई, तो वो जैसे जैसे टनलिंग हो रहे थे और जो जो हम स्टेटा इनकाउंटर कर रहे थे उसी हिसाब से हम लोग काम कर रहे थे। तो मुझे ये बताइए कब से आम आदमी के लिए खुलने जा रहे हैं इस लाइन को आप लोग? संडे दोपहर 12 बजे से पब्लिक ट्रैवल कर सकती है और इसकी इनॉग्रेशन लाइन की होगी 10 बजे सुबह। ऑनरेबल अर्बन डेवलपमेंट मिस्टर वेंकैया नायडू और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मिस्टर केजरीवाल, वो जॉइंटली फ्लैग ऑफ करेंगे इसको। बिल्कुल, तो मेरे साथ, मैं भी ट्रेन में मौजूद हूँ, आज मीडिया के लिए प्रीव्यू रखा गया है दिल्ली मेट्रो की ओर से, दिल्ली गेट से लेकर अब हम लोग आ गए हैं जामा मस्जिद, ये स्टेशन है। यहाँ पर देखिए बड़े खूबसूरत तरीके से स्टेशन बनाए गए हैं इस पूरी लाइन पर, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं ये जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन है। जामा मस्जिद आप जानते हैं कि एक ऐतिहासिक धरोहर है भारत के पुरातत्व विभाग की तरफ से, इसके नीचे टनलिंग करना अपने आप में बहुत बड़ा टफ टास्क था। दिल्ली मेट्रो को 3 TBM का इस्तेमाल करना पड़ा। जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं, जैसा कि अनुज जी ने बताया कि अलाइनमेंट बदल गया था, तो ऐसे में यहाँ पर करना और लाल किला जो स्टेशन है उसके पास में टनलिंग करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा टफ टास्क था, लेकिन कुल मिलाकर दिल्ली मेट्रो ने इस चुनौती को भी सफलतापूर्वक पार कर लिया है और अब 28 तारीख को 12 बजे इस लाइन को आम आदमी के लिए खोलने की पूरी तैयारी कर ली गई है और 28 तारीख से आप लोग फरीदाबाद से सीधे ISBT तक जा सकेंगे। कैमरा पर्सन ललित के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़ दिल्ली।